हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं हमेशा एक तरह वीडियो और लेकर के आया हूं। तो मैं आज आपको बता दूं, एक कुछ नया तरीका आपको बताने वाला हूं। यहां पे कुछ भी है, आप वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। वीवो का एक हमारे पास फ़ोन है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये वीवो का Y12 मॉडल है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर पूरा अब वीडियो को मैं आप पहले इंट्रो दे देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। वो देख सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, इसमें देखिए ये वीवो रिस्टार्ट हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है, मतलब अपने आप, मैंने कुछ कोई भी की नहीं दबाया हुआ है, आप देख सकते हो ये फ़ोन अपने आप रिस्टार्ट हो रहा है। और तो इसके क्या क्या हो सकता है, मैं सारा सोल्यूशन इसका रिस्टार्ट का देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। मैं आपको जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ, वीडियो जेन्युइन वीडियो होगा, कोई भी फेक वीडियो नहीं होगा, आपके सामने मैं यहाँ पे लाइव भी करूँगा, जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमारा बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं वीवो का फ़ोन है, वीवो Y12 ये फ़ोन है और ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो रिस्टार्ट का क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, मैं सारा सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ, बिना किसी रिस्क के आपको सारा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सो प्लीज़ फ्रेंड, आप वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्मार्ट टेलीकॉम को, इससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा आप क्या क्या कर सकते हो रिस्टार्ट में। तो पहला चीज़, आप सबसे पहले अगर आपका फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले आप वाइप डाटा करें, इसको हार्ड रिसेट करें। हार्ड रिसेट करने के बाद भी अगर सही नहीं होता है फ्रेंड, तो आप इसको फ्लैश करेंगे। सेकेंड टाइम आपको इसको फ्लैश ही करना होता है, ठीक है। थर्ड टाइम आपको जो करना होता है, मैं यहाँ पे सारा चीज़ बताऊँगा, थर्ड और फोर्थ क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, अभी मैंने कोई भी फ्लैशिंग नहीं कर रहा हूँ। अभी फ्लैशिंग से पहले एक मेथड मैं और यूज़ कर रहा हूँ, अगर वो मेथड काम कर गया तो ठीक है, नहीं करेगा तो हम उसको फ्लैश करेंगे। पर मैंने आपको बोला था वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखें मैं क्या क्या कर रहा हूँ, आप भी वही चीज़ करें, जो जो मैं स्टेप कर रहा हूँ आप उसी स्टेप को फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे तीनों की को एक साथ प्रेस कर लेना है, तीनों की को एक साथ आप प्रेस कर लेंगे, फ़ोन को रिकवरी मोड पे ले जाना है। फ्रेंड्स, आपको फ़ोन को रिकवरी मोड पे ले जाना है, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को लास्ट एंड तक आप ज़रूर देखें फ्रेंड, तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि हमारा ये जो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक चीज़ मैं और आपको सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही है, इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, हार्डवेयर भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें उसे सॉफ्टवेयर ही करना होता है। तो मैंने यहाँ पे तीनों की को एक साथ प्रेस करके रखा हुआ है, जैसे ही कुछ वीवो या कुछ भी लिख करके आएगा तो आपको करना क्या है, पावर की को बस छोड़ देना है, वॉल्यूम अप डाउन दबा करके दोनों को रहना है, प्रेस करके रखना है। थोड़ा टाइम लग रहा है तो जस्ट मिनट, मैं अभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तीनों की को मैंने एक साथ प्रेस करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं तीनों की प्रेस करने के बाद ये आपका इस तरीके का इंटरफेस फास्टबूट इंटरफेस में चला जाएगा। आपको जाना है रिकवरी मोड पे, ये फास्टबूट इंटरफेस में है फ़ोन अभी, तो हमें जाना है यहाँ पे रिकवरी मोड पे। तो हम इसको वॉल्यूम डाउन दबाते हैं और ओके कर देते हैं, वॉल्यूम डाउन और ओके कर देंगे, हमारा यहाँ पे सारा चीज़ प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये फ़ोन चला जाएगा आपका रिकवरी मोड पे। अब रिकवरी मोड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे वाइप डाटा नहीं करने वाला हूँ, पर फिर भी आप वहाँ पे पहला वाला मैंने जो बताया था हमेशा कि आप हमें वहाँ पे जा करके मैं दिखा देता हूँ, आप उसे वाइप डाटा भी कर सकते हैं। जैसे आपको कभी वीवो का Y12 हार्ड रिसेट करना है तो आप वहाँ से जा करके इजीली तरीके से यही प्रोसेस से हार्ड रिसेट भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये ऐसा इंटरफेस हमारा रिकवरी मोड आ चुका है। तो आप यहाँ पे क्लियर डाटा पे जा करके आप यहाँ पे क्लियर ऑल कर देंगे तो वाइप डाटा हमारा हो जाएगा। तो फिलहाल हमें यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि मैंने ये फर्स्ट वाला प्रोसेस कर चुका है। तो फिर भी कभी भी आपको रिस्टार्ट प्रॉब्लम हो तो आपको सबसे पहले उसको वाइप डाटा ही करना होता है। उसके बाद मैं आपको एक नई तरीके से सेकंड तरीका मैं बताता हूँ सॉफ्टवेयर करने का। तो यहाँ पे दो तरीके से आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। दूसरी चीज़, अगर आप चेक सिस्टम पे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको फाइल नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम फाइल करप्ट हो चुकी है इसलिए फाइल दिखाई दे रहा है। अब हम इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। आपको मैं बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके वाईफाई के थ्रू और बिना किसी सिस्टम, बिना किसी पीसी के हम यहाँ पे आपको करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट कर देना है फ्रेंड्स। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ इस स्टेप को आप लास्ट तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा मैं यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस कर रहा हूँ। सबसे पहला मैंने बताया था, फिर से मैं रिमाइंड लास्ट में एक डाल दूंगा कि फिर से अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर से एक रिमाइंड में डाल दूंगा कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे इसको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे रिकवरी मोड पे गए, अब देखिए यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स,
कि वाईफाई कनेक्ट करना है तो हमें देखिए सर्चिंग वाईफाई कनेक्ट कर रहा है, सॉरी थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है हुआ सर्चिंग वाईफाई, ये देखिए वाईफाई के लिए आ गया। तो मैं यहाँ पे अपना रेनो 3 का वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब इसको कर देते हैं डन, अब ये कनेक्टिंग वाईफाई कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड वीडियो को लास्ट इन तक जरूर देखें। और इससे नहीं भी होता है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो डरते हैं कि अरे यार मेरा फ़ोन बिना खोले बिना कुछ किए बिना फ्लैश किए अगर सही हो जाता है तो बहुत ही बेटर है, बहुत ही बेटर तरीका है। आप यहाँ से मेमोरी कार्ड से भी आप इसको फ्लैश कर सकते थे, आप मेमोरी कार्ड के लिए फाइल आती है आप वहाँ से भी इसको बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो चेकिंग फॉर न्यू वर्जन यहाँ पे चेक कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे चेकिंग फॉर न्यू वर्जन यहाँ पे चेक कर चुका है, यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो भी है वीवो का। तो हमें सिंपल और सिंपल डाउनलोड और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, डाउनलोड और इंस्टॉल पर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा यहाँ से फाइल डाउनलोडिंग होना चालू हो गई है। अगर ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फॉल्ट होगा तो यहाँ से भी सही हो जाएगा, अगर यहाँ से सही नहीं होता है तो हमें फिर लास्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड फ्लैश करेंगे। तो आपको फ्लैश करके भी हम प्रॉपर यहाँ पे दिखाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें लगेगा टाइम क्योंकि अभी ये हुआ है 7%, जैसे ही यहाँ पे 90% होता है तो मैं आपको वहाँ पे फिर से करके दिखाऊंगा कि और लाइव भी करके दिखाऊंगा कि हमारा काम करता है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया था क्योंकि फाइनली बहुत ही अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा था, अभी 97% हो चुका है। तो जैसे कंप्लीट होता है अगर ये प्रोसेस काम करता है तो ठीक है, नहीं काम करता है तो हम इसको लास्ट प्रोसेस फ्लैश ही करेंगे क्योंकि फ्लैश करने से जो इसका प्रॉब्लम है वो सॉल्व 100% हो जाएगा अगर ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फॉल्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 99% हो चुका है डाउनलोड, क्योंकि जो हमारा रिस्टार्ट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, इसको हमने जो भी था प्रोसेस में इसको लास्ट एंड में हाईलाइट कर दूंगा कि आपको क्या क्या करना होता है अगर आपका फ़ोन ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉलिंग प्रोसेस चालू हो गया है जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर तो इंस्टॉल द अपडेट पैकेज, डोंट प्रेस द एनी बटन आफ्टर द अपग्रेड बैक स्क्रीन ऑप्शनल, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको फ्रेंड आप देख सकते हैं ये अपडेट हो रहा है, अगर ये अपडेट होने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है फ्रेंड तो मैं इसको फिर से फ्लैश करूंगा और फ्लैश करके आपको सारा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। ये प्रोसेस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ भाई लोग या कुछ स्टूडेंट हमारे डरते हैं कि अगर हम इसको फ्लैश करते हैं तो डेड ना हो जाए, कहीं फिर से वापस से डेड बूट में ना चला जाए। तो कोई दिक्कत उसमें भी नहीं होता है फ्रेंड, आप इसकी MMC निकाल करके रिप्रोग्रामिंग कर देंगे तो भी हमारा ये फ़ोन चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत डरने की कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे ये वीवो का फ़ोन है जैसा कि आप देख सकते हो, ये अपडेट हो रहा है, अपडेट यहाँ पे चल रहा है। अगर ये प्रोसेस काम कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं काम करता है तो हम इसको लास्ट में फ्लैश करेंगे। इसलिए आपको मैंने बोला था वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखिए, मैं फिर से एक बार हाईलाइट करूँगा कि रिस्टार्टिंग में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या आप कर सकते हैं। आप इसको अगर आप चाहें तो इसको फ्लैश कैसे कर सकते हैं, SD कार्ड के थ्रू भी आप इसको फ्लैश कर सकते हैं, उसकी फाइल आती है आप उस फाइल को डाउनलोड करके आप यहां से जा करके उसको अपडेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वेट का एक ऑप्शन आ रहा है। एक छोटी सी और बात है कि आपको कैसे जानना है कि ये हार्डवेयर से रिलेटेड है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, वो ट्रिक हम आपको क्लास में बताएंगे, आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको परफेक्ट पता चल जाएगा ये फ़ोन, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या हार्डवेयर से रिलेटेड है। तो आपको अगर ये जानना है एक्चुअल में कि ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था प्रॉब्लम कि हार्डवेयर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्टार्ट हो चुका है, ये सारा फंक्शन यहाँ पे फाइंड अपडेट पैकेज वेरीफाई डाटा वगैरह वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम इसको करते हैं रिस्टार्ट, और रिस्टार्ट करने के बाद देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जो हमारा था रिस्टार्टिंग का ही जो प्रॉब्लम था वो सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। तो फाइनली गाइज आप देख सकते हैं रिस्टार्ट करने से ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये फ़ोन जैसा कि आपने देखा था जो हमने सोल्यूशन इसका बताया फ्रेंड, ये देख सकते हैं ये फाइनली हमारा हो चुका है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना मिले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।